सत श्री अकाल साथियों, राम राम। साथियों, आज हम जा रहे हैं मीटिंग पर। कुरुक्षेत्र भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी की राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग है, जिसमें पूरा हरियाणा, पंजाब, यूपी, पूरे हिंदुस्तान से संगठन आ रहे हैं प्रधान जी की गवाही के हेठ। तो साथियों, आज मैं एक दृश्य दिखा रहा हूँ लाइव, क्योंकि बहुत बड़ी चीज है। और इस साइड भी दिखाऊंगा आपको मंजर, ये बन डाल रखा है। ये फतेहाबाद है डिस्ट्रिक्ट, फतेहाबाद की ये कंडीशन है, फतेहाबाद का लाइव दृश्य है। साथियों, ये देखो, आज गग्गर में पानी आए हुए कितना टाइम हो गया। पंजाब सरकार ने बांध भी बांध दिए, और यहां पर किसानों का जो नुकसान हुआ है, जिसमें मजदूर पिसे हैं, मजदूर के बाद दुकानदार पिसेंगे, सारे वर्ग पिसेंगे। तो सरकार ने अभी तक फतेहाबाद जिले में सार तक नहीं ली किसान भाइयों की। इतना पानी खड़ा है भी बता नहीं सकता मैं यहाँ के। आपको दृश्य दिखाऊंगा जूम करके, ये देखो भी क्या हालात हैं, पानी ही पानी है। और इस सरकार ने, निकम्मी ने इस पानी को निकालने का अभी तक कोई प्रबंध नहीं किया। अभी तक कोई भी सलूशन नहीं निकाला अभी तक भी इस पानी को कैसे निकाला जाए। तो ये बड़ी बड़ी बातें मारते हैं, और ना अभी तक गिरदावरी हुई है। पंजाब सरकार ने 186 करोड़ डाल दिया किसानों के खातों में, और यहाँ पर अभी तक गिरदावरी नहीं हुई है। ये नहीं पता भी कितना किल्ला, कितने किल्ले का नुकसान हो चुका है किसानों का। और इन लोगों को क्या देगी? ये देंगे टर्नओवर 5 किलो पर 15,000 रुपया। अब मान लो 70-75 हज़ार से क्या होगा? पूरा साल पड़ा है, 6 महीने पड़े हैं, उसमें घर भी चलाना है, उसमें बच्चे भी पढ़ाने हैं, उसमें जो मजदूर भाई काम करते हैं उनको भी देना है, और जो किस व्यापारी भाई से पैसे लिए उनको भी देने हैं। तो ये बड़ी समस्या है साथियों। ये देखो सरकार का, भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी बड़ी बातें करती है, हम पूरा दिखाऊंगा, मैं दिखाता जाऊंगा आपको भी। ये फतेहाबाद जिले के हालात हैं, अभी तक सरकार ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। बड़े दुख की बात है साथियों, कि किसान करे तो क्या करे, जाए तो जाए कहाँ। 2020 का मुआवजा अभी तक पड़ा है 258 करोड़, और भी जिलों का पड़ा है, जैसे सिरसा की बात कर रहा हूँ, 2022 का बीमा पड़ा है, 2023 का बीमा और मुआवजा पड़ा है, कणक का बीमा पड़ा है अभी तक, जो ओलावृष्टि से नुकसान हुआ था। ये देखो साथियों, बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा। सरकार बिल्कुल फेल है सिस्टम में, और बड़ी बड़ी बातें करती है। कल भी एक जुमला किया है मोदी ने, चंद्रयान भेजा है वहाँ पे चांद पर, इन्होंने सारा दिन 3 दिन से, हाँ इसरो जिसने, साइंटिस्टों ने किया, वो बधाई के पात्र हैं, बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। पर ये सरकार सिर्फ चल रहा है सिस्टम वोटों का, इलेक्शन का, वोटें कैसे बटोरी जाएं। अभी पीछे दंगे हुए हैं मणिपुर, नूमवात, और उसके बाद खालसा एड, रेड़, बाढ़ पर अभी तक कोई चिंता नहीं सरकार को। इन किसानों का क्या कसूर है बताए कोई सरकार, कोई भाई बताए कोई, इनका हल क्या है? तो साथियों, सरकार इस पर बिल्कुल फेल है, सरकार कोई स्टैंड नहीं है सरकार का इस पर, क्योंकि तो इतने दिन हो गए पंजाब में जगह जगह पानी निकाल दिया सरकार ने, बंद बांध दिए, पर हमारे में यहाँ ना तो बांध बांधे हैं कहीं भी। हरियाणा सरकार ने पूरे गग्गर जितनी बार कहीं बांध नहीं बनते, जो तो किस्मत दोबारा गग्गर फिर आ गई थी, वो तो ये अभी पानी का ऊपर लेवल है जो ऊपर नहीं गया। तो ये देखो आप मंजर, और इसमें सरकार बिल्कुल फेलियर है। पहले भी हम कंटिन्यू जा रहे थे, हमें यह था कहीं ना कहीं सरकार, चलो टाइम लगेगा, अभी तो मेरे हिसाब से 1-2 महीने हो गए इस चीज को निकले हुए, पर सरकार ने अभी तक इनकी सार तक नहीं ली। बड़े दुख की बात है, यहाँ पर हमारे जो किसान संगठन है कुछ लगे भी हुए हैं, और संगठनों को भी मैं बेनती करना चाहता हूँ इस पर सख्त एक्शन लिया जाए, और इसकी बात हम ऊपर तक भी उठाएंगे। आज मीटिंग है वहाँ पर, स्पेशल इसका मुद्दा उठाएंगे, उसमें बयान भी दिलाएंगे,
वेलकम करना। हम सिंचुंगी मंडल के बड़े चेहरा हैं, उनको भी दरख्वास्त करेंगे क्योंकि ये भी हमारे रहने का हमारा क्षेत्र है, हमारे अपने भाई हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है साथियों, इस पर हम एक्शन लें तो हम भी अपनी तरफ से पूरी जिम्मेदारी ठोक निभाएंगे इस पर। और मैं यहाँ के संगठनों को भी कहूँगा, जितने भी संगठन हैं उनको भी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये सरकार तब मानती है जब इनको जूते मारती हैं। तब तक ये सरकार सुनने वाली नहीं है। जब तक हम इस सरकार में, इस सरकार को जगाना पड़ेगा, हमें जाके डीसी दफ्तर पर, इन यहाँ पे जितने भी एमएलए हैं उनके घरों पर जाके, जब तक आप मुजाहरे नहीं करोगे, इस सरकार का स्यापा नहीं करोगे, सरकार के खिलाफ पुतले नहीं जलाओगे, इनको गिराव नहीं करोगे, तब तक साथियों ये सरकार आपकी सुनने वाली नहीं है। तो मैं फतेहाबाद के जितने भी वासी हैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा भी, सरकार के खिलाफ आप एक्शन लो, खड़े हो, और आप जहां हमें बुलाओगे हम भी पहुंचेंगे, आपके साथ रहेंगे। जब भी कोई प्रदर्शन करोगे बड़े लेवल का, हमारा साथ भी फुल होगा। अगर सिरसा जिला में कहोगे वहां भी करेंगे, लेवल पे भी करेंगे, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अभी किसान डूब रहा है, मर चुका है, और इससे बीमारियां जो फैलेंगी आसपास में, साथ में शहर लगता है, तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। अभी सिर्फ रास्ता थोड़े दिन पहले खोला है, तेज कर ले भाई, थोड़े दिन पहले खोला है सरकार ने रास्ता। ये अभी इस हाईवे पे भी पानी था, इस हाईवे पे भी पानी था। अभी ये हाईवे स्टार्ट हुआ है साथियों, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इसमें किसान सरकार अपनी अपनी बुलादियां, ये देखो आप अभी तक बंजर, ये गट्टे, ये देखो बांध पड़ा है, हाईवे को बांध से बांध कर दिया था, और बांध बांध दिया था इसको। पूरे टीवी चैनलों ने और चैनलों ने भी बड़ा दिखाया था इसको, पूरी वायरल हुई थी ये वीडियो। आज दोबारा हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि क्या पता सरकार जाग जाए उसको जगाने का, और जो लोग देख रहे हैं जिनको ये लग रहा है भी हमारा कोई नुकसान नहीं है, इससे पीछे जो, इस फतेहाबाद से आगे जो लोग हैं उनको ये लगता है हमारा नुकसान नहीं है। हम अपने आराम से घर से, शहरवासियों को भी बेनती है, उनको ये लगता है हमारा कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। या यहाँ पर इसके साइड किसान है और जितने भी भाई हैं उनको ये लगता है हमारा तो कोई रोल नहीं, क्यों नहीं भाई? जब ये लोग आपके लिए लड़ते हैं, आपके साथ खड़े होते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी क्यों नहीं बढ़ती? हम सब की, हमें दुख सुख में खड़ा होना चाहिए, हमें साथ में लोगों की, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है भाई साहब। हमें एक्शन लेना चाहिए सरकार के खिलाफ और इसको जगाने का काम करना चाहिए। और ये जागेंगे तभी जब आप इनके दर पे खड़ोगे, और ये आप अपनी मांग मांगेंगे भी और मानेंगे भी, सारी बातें मानेंगे आपकी। तो साथियों हमारा फर्ज बनता है और इस जिम्मेदारी को हमें निभाना चाहिए, इसको जगाना पड़ेगा साथियों। नहीं जगाएगा तो ये पानी यहीं का यहीं खड़ा रहेगा, और ये यहाँ स्कूल है, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, तो मान लो बच्चे पढ़ते हैं तो इससे बीमारी पैदा होगी, डेंगू मलेरिया। तो कल को अगर इससे बीमारी पैदा होगी तो क्या आने वाले समय में अगर इस पानी में कोई चला गया तो उसको भी बीमारी होगी। तो साथियों ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार इसमें बिल्कुल फेल है। तो फेल है तो साथियों आप सबको दरख्वास्त है इसके खिलाफ कोई बड़ा अभियान चलाएं, और हम भी इसके खिलाफ बड़ा अभियान चलाएंगे, फतेहाबाद की आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाने का काम करेंगे। और आप सब भी, फतेहाबाद वासियों को बेनती है, आप खड़े हो, लड़ो, हम आपके साथ हैं, क्योंकि ये सरकार का निकम्मापन है और सरकार यही करती आई है, जुमलेबाज है, तो जुमले गाती रहेगी साथियों। यही बातें थी आपसे शेयर करनी थी, मीटिंग में जा रहे हैं, इस मुद्दे को पूरा उठाएंगे, क्योंकि अभी तक हमें सरकार ने 15,000 रुपया मेरे हिसाब से किया है इन्होंने घोषित, पर ये 5 किलो पर देंगे, जैसे टर्म ऑफ कंडीशन है। इसके खिलाफ भी अभियान चलाना पड़ेगा, पूरे हरियाणा लेवल पर प्रदर्शन करने पड़ेंगे, जिस तरह कल परसों पंजाब की जथेबंदियों ने, यहाँ पे एक किसान हमारा शहीद हो गया, एक किसान की लात टांग कट गई बाड़ा में, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए लड़ रहे थे, हमारे लिए लड़ रहे थे वो लोग, और उसमें पंजाब वालों की 16 जथेबंदियां थी। तो जगह जगह सरकार की गुंडागर्दी, देखो सरकार ने वहां जगह जगह उनको ट्रेस किया, रोका, सरकार ने अपने पूरे जतन किए इस आंदोलन को कैसे फेल किया जाए, पर ये नहीं होगा साथियों। किसान ना आज जोगेगा ना कल जोगेगा, इसमें सब हमारे किसान मजदूर सब भाई, हमारा यूथ बड़ा समझदार है। तो साथियों झुकने वाले नहीं है, सरकार को झुका के रहेंगे, हमें पता कैसे झुकानी है सरकार। तो साथियों इतनी बातें थी आपसे शेयर करनी थी, राम राम, सत श्री अकाल, इनकलाब जिंदाबाद।